नमस्कार बच्चा पार्टी, आप सबका स्वागत है बाबा फाइनेस्ट के कथा पंडाल में। दिस इज अ कथा पंडाल। आज हम सारे टिकटॉकर को मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया है। वाह मोदी जी वाह। टिकटॉक बैन होने के पहले टिकटॉक बैन होने के बाद बड़ी फाइनेंशियली हियर, अर्थात लोग हमें मोटा भाई के नाम से भी जानते हैं। देखो 10 साल पहले अगर तुम किसी बच्चे से पूछते, बच्चा क्या बनोगे? मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और अगर तुम आजकल के 7-8 साल के बच्चों को यही क्वेश्चन पूछोगे ना, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होगा, बेटा क्या बनोगे? मैं पबजी स्ट्रीमर बनूंगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं तो सबसे महान टिकटॉकर बनूंगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन अपनी सोसाइटी से चल के जा रहा था, ठीक है, मुझे एक बच्चा मिला, वो दुखी बैठा था। मैंने पूछा उसे क्या हुआ, वो बोलता है मुट्टे भाई मेरी मम्मी मुझे पबजी खेलने पे मारती है। मैंने उसे बोला, बेटा जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी मम्मी का नाम रोशन हो। बाबा फाइनेंस के वचन। और दूसरे दिन मैंने उसका टिकटॉक का ये वीडियो देखा। मुझे बवासीर है। मतलब हो क्या गया आजकल के 12-13 साल के बच्चों को? टिकटॉक पे आधे बच्चे तो रोमियो और जूलियट बनते हैं, आधे आगरा के पागल खाने के दौड़े हुए मरीज जैसे वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। देखो अब हम बच्चों को साइड में करते हैं, अब हम आते हैं बड़े बच्चों पे, जिन्हें हम कहते हैं टीनएजर्स। देखो अब इसमें दो टाइप के टीनएजर्स होते हैं, एक तो वो टीनएजर्स जिनको अभी अभी पुबर्टी नामक बीमारी हिट हुई होती है, और दूसरे वो जो अब एडल्ट बनने वाले होते हैं। बुलावे तुझे आए आज मेरी गली। सो फनी, टिकटॉक कॉमेडी 2019 देख लो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, यार इससे अच्छे जोक्स तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में मान लिया करता था। भाई चकली बोल, चकली तेरी माँ टकली। क्या मस्त जोक मारे लाए भाई। अरे भाई क्या रोस्टिंग कर रहे ले भाई। देखो अब इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को क्यों बैन किया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एक रीजन तो ये बवासीर है, मुझे बवासीर है। और दूसरा मेन रीजन वो रीजन है, अगर तुम बच्चे हो तो ये समझो जो चीज तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखने से ना बोलते हैं ये वही है, बट उसका सस्ता वर्जन, इसलिए इफ यू नो व्हाट आई मीन। और आज हम इन्हीं टिकटॉक वीडियोस पे प्रकाशित भव करने वाले हैं। देखो पहली कैटेगरी में आते वो रोतड़ू बंदर जो रोते रोते घुस जाते हैं तुम्हारी इंस्टाग्राम के अंदर। बवासीर एक आम समस्या है। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं सुंदर लोग, अर्थात सोन परी और सोन परा। देखो आई आई आई, सोन परी आई, सोन परी आई। अब देखो टिकटॉक जैसी ऐपों पे यही लोग फेमस रहते हैं, और फिर लोग इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं क्योंकि ये है बहुत खूबसूरत। और जैसे इन टिकटॉक स्टार के इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ जाते हैं, ये यूट्यूब चैनल बनाते हैं और फिर अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं। हम तो यूट्यूबर बन चुके हैं बड़े भैया, यूट्यूबर। देखो अगर तुम्हें अब टिकटॉक पे फेमस होना है तो तुम्हें सुंदर होना होगा, अगर वो नहीं हो तुम मित्रों तो डोंट वरी, अभी मोदी जी का विकास शॉट बाकी है जिसके बाद तुम फेमस हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी आगरा के पागल खाने वाली एक्टिंग। देखो अब मैं सीरियस स्नेप से भी ज्यादा सीरियस बात करूंगा। देखो मुझे अपनी गवर्नमेंट का ये डिसीजन बिल्कुल सही लगा, क्योंकि पहली बात तो लोग कुछ भी अपलोड करते थे फेमस होने के लिए। देखो अब टिकटॉक यूज करने वाले मुझे मोस्टली लोग बोलेंगे चलता है साला, चलता है टिकटॉक से। देखो मैं जलता नहीं हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम कॉमेडी वीडियोस देखते हो, टिकटॉक के सॉन्ग्स देखते हो, ये लिपसिंग है ना, इनका ह्यूमर है ना ही इनकी आवाज है, ये लोग बस अपने तन बतन से फेमस हो रहे हैं। अब मुझे चीज बताओ, अगर ऐसे लिपसिंग करने वाले बंदे अपने आपको टैलेंटेड बोलेंगे तो जो बंदा ने जिसने असली में मेहनत की है, जिसने वो गाना गाया है या जोक बनाया है। फॉर एग्जाम्पल तुम गाना गाते हो, ठीक है, अब वो सॉन्ग नहीं चलता है, बट एक सुंदर सी कन्या जो खूबसूरत है वो उस चीज पे लिपसिंग करती है, और गेस व्हाट, वो तुम्हारे गाने से तुमसे ज्यादा 10 गुना फेमस हो जाती है मित्रों, और ये आजकल हो रहा है, सो दैट्स द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल मोटा भाई की भी टिकटॉक पे ऑडियो डाली गई थी, मतलब मेरे जोक्स उठा के डाले गए थे, पर किसी को पता ही नहीं वो मैं हूँ, तो मतलब क्या, वो लिपसिंग करने वाली सुंदर कन्या को लोग फॉलो करेंगे। सो दैट्स
That was pretty much it. I hope तुम्हें पसंद आया। और यार मुझे भी Instagram पे follow करो यार, TikToker वो करते हो, मोटा भाई को नहीं करो क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखता। That's not very nice, you know. और बकलोल बच्चे को भी सब्सक्राइब करो, उसने वीडियो एडिटिंग में मदद की है। करो, जल्दी करो, अभी करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो, वरना तुम्हारे फाइनेंशियली मोटा भाई तुमसे गुस्सा हो जाएंगे अगर तुमने बकलोल बच्चे को सब्सक्राइब नहीं किया तो। So yeah, that was pretty much it. Thank you guys for watching. नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, and I am finally signing out.